हेलो एवरीवन, आई एम ब्रजेश शिकरवर और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है बोर्ड एग्ज़ाम, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2021 जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब इस तरह की मुहिम चल रही है कुछ कि ये एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए और कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा बहुत इसे समर्थन करता हूँ इस बात का, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए। कैंसिल होना एक अलग चीज़ होती है, पोस्टपोन होना अलग चीज़ होती है। ओके, तो क्या पूरी तरीके से एग्ज़ाम कैंसिल होगा, मतलब होगा ही नहीं, डायरेक्टली बच्चों को प्रमोट किया जाएगा क्या? तो क्या ये सही डिसीजन होगा उन बच्चों के साथ जिन्होंने पूरी साल मेहनत की है, जो अच्छे परसेंटेज लेके आने वाले हैं 95 से ज़्यादा, उन लोगों के साथ क्या ये सही डिसीजन होगा? क्लियर। और जिस बच्चे ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं है तो वो तो यार ईजिली प्रमोट हो जाएगा। अच्छा चलो, ये भी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं कि आप जो भी आपके प्री बोर्ड हुए हैं उसके हिसाब से आप मार्क्स देना चाहते हो, लेकिन अगर प्री बोर्ड के हिसाब से मार्क्स देना चाहते हो तो एक इसमें ये भी तो केस है कि जैसे मान लो किसी बच्चे ने प्री बोर्ड के अंदर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट या फिर ITF नहीं किया था, लेकिन अभी उसने पक्का कर लिया है वो, तो अभी उसे लगता है कि मैं और अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, पिछली बार मेरे 80 मार्क्स आ रहे थे आउट ऑफ 100, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं मोर देन 90 ला सकता हूं, तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है यार ये चीज, 80 से 95 मार्क्स लाना या 90 मार्क्स लाना। तो उन बच्चों को किस तरीके से दोगे? या तो फिर आप एक फाइनल एग्जाम करा दो कि भाई वो आपका फाइनल एग्जाम होगा, जहां पे भी कराना चाहते हो, स्कूल के अंदर कराना चाहते हो या जहां पे भी, पर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सारे पूरे इंडिया के बच्चों के साथ एक ही जैसा वो न्याय होना चाहिए। फिर क्लियर, ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पे ज़्यादा हो गया, कहीं पे कुछ कम हो गया, किसी ने थोड़ा फेवर कर दिया। ओके, या फिर पोस्टपोन कर दो एग्जाम को और कुछ सेफ्टी मेजर, थोड़े तगड़े सेफ्टी मेजर के साथ एग्जाम को कंडक्ट कराओ, तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कैंसिल करना तो आई थिंक सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चे ऐसे ही प्रमोट हो जाएंगे तो यार क्या ही कॉम्पिटिशन में आगे चल के पार्टिसिपेट करेंगे। और ट्वेल्थ बोर्ड तो अच्छी तरीके से, मतलब ट्वेल्थ बोर्ड की परसेंटेज तो काउंट होते हैं, जैसे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे भी अगर आपकी रैंकिंग आती है तो वहाँ पे भी ट्वेल्थ के जो आपके परसेंटेज हैं उन्हीं हिसाब से एडमिशन मिलता है। बहुत सारी जगह पे आपके ट्वेल्थ के परसेंटेज काउंट होते हैं। क्लियर, जैसे इस बार तो कोरोना की वजह से खैर IIT ने 75% का क्राइटेरिया हटा दिया, लेकिन वहाँ पे भी पहले 75% का क्राइटेरिया रहता था। तो मुझे लगता है कि सेफ्टी मेजर लेने चाहिए गवर्नमेंट को, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं तो चलेगा। क्लियर, लेकिन कुछ इस तरीके का प्लान बनाओ, इस तरीके का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ना ये सब तो गवर्नमेंट वाली बात हो गई, खैर उनके पास अपनी टीम है, अपने लोग हैं जो कि एकदम ये सोचने में समर्थ हैं कि वो उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, खैर वो अपना डिसीजन ले ही लेंगे। पर मेरा जो मैसेज है वो तो स्टूडेंट्स के लिए है कि यार आप लोग पढ़ाई करो, आप लोग ये मत सोचो कि कैंसिल होंगे क्या होंगे, ठीक है, या फिर पोस्टपोन होंगे, या अभी अप्रैल की बजाय मई में होंगे या जून में होंगे, जब भी होंगे आपको एग्जाम देना है। आप ऐसा मत करना जैसे कि पिछले साल क्या हुआ था, जेई मेन को जब पोस्टपोन करते 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 हम लोग सेप्टेम्बर, मतलब जब ये एग्जाम सेप्टेम्बर में हुआ, क्लियर, तो स्टूडेंट के मार्क्स भी ना इसी तरीके से डाउन हुए थे। जो बच्चे जनवरी में जितना अच्छा करके आए थे ना, उस हिसाब से उनका रिजल्ट सेप्टेम्बर में कम आया था, लेकिन आना चाहिए था ज़्यादा, क्योंकि उन्हें ऑलमोस्ट कितना समय मिल गया आप सोचो, तो ग्राफ उनका इस तरीके से ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन गया कैसे इस तरीके से, तो रिजल्ट डाउन हो गया, क्योंकि वो इसी चीज़ में सोचते रहे कि यार एग्जाम होगा नहीं होगा क्या होगा। आप बच्चों ये बिल्कुल भी मत सोचो कि क्या होगा, आप बस यार पढ़ाई करो, ठीक है ना, आप बस ध्यान रखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही जाएगी कि एग्जाम कब होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन आप पढ़ाई करो। ऐसा भी नहीं है कि ये पढ़ाई आपकी काम नहीं आएगी आगे, अगर अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो मैथमेटिक्स की तो यार ये आपके JEE में काम आ जाएगी, आप कोई भी NDA वगैरह के एग्जाम दोगे वहाँ पे काम आ जाएगी, तो ये पढ़ाई थोड़ी ना आपकी बेस्ट आएगी यार कि एग्जाम नहीं हुए तो मैंने तो सर पढ़ा था वो बेस्ट चला गया। अरे वो तो काम आ ही जाएगा भाई, आज नहीं तो कल वो तो काम आ ही जाएगा आपके, तो आप तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस करो, बस मेरा यही आपसे कहना है। बाकी जो गवर्नमेंट करेगी वो देखेंगे क्या डिसीजन लेते हैं, कुछ लोगों के लिए सही होगा कुछ लोगों के लिए गलत होगा, ये तो हमेशा चलता ही रहेगा। ओके, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड कि आप बस पढ़ें अच्छे से ध्यान लगा के, और इन सब चीज़ों पे ना दें, ये सब बड़ों के लिए छोड़ दो आप, ठीक है ना, ये हम सब हम टीचरों के लिए छोड़ दो, बड़े लोगों के लिए छोड़ दो, पेरेंट्स के लिए छोड़ दो कि भाई आप टेंशन लेते रहो, मेरा काम पढ़ने का है मैं बस पढ़ूंगा, मेरा एग्जाम होगा तो मुझे लेके चले जाना। बस ये है कि हाँ इन्फेक्शन का डर है, काफ़ी डर है, क्योंकि कोरोना जिस स्पीड से भी बढ़ रहा है वो तो काफ़ी सोचने वाला विषय है। खैर इस बारे में तो सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में बूढ़े माँ बाप हैं, ओके, तो खतरा तो है ही यार। और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो बेचारे कुछ ना कुछ बीमारी, वैसे ही शुगर और ये सब चीज़ें तो वैसे ही होती हैं उन्हें, क्लियर, तो यार इस सब पे सोचना ही पड़ेगा। खैर वो सरकार सोचेगी, अभी तो मेरा मैसेज स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके, ऑल द बेस्ट।